पैसों वाली बहू। कहते हैं ना, शादी ब्याह एक लेवल में ही हो तो ठीक रहता है, नहीं तो। अरे क्या सारा दिन कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर बैठी रहती है बहू। कभी गलती से किचन में देख ले टोकरी में कौन सा आलू सड़ रहा है, टमाटर फ्रिज में गल रहा है। अब आलू टमाटर को गलता देखते देखते मेरी स्किन गल रही है माँ जी, वो ना ठीक कराऊं? बाल देख रही हैं आप, झाड़ू हो गए हैं झाड़ू। हाँ हाँ, तो तेल लगा कर मालिश करना, दही लगा, घर की कितनी सारी चीजें लगा सकती है। ये क्या बालों को केमिकल लगा लगा कर हरा लाल रंग करवा लेती है। ओ सासू माँ, ननद जी के बालों पर भी ये सब किया करो। मेरा तो भूल ही जाओ कि मैं ऐसी लोकल चीजों को अपने ऊपर यूज भी करूंगी कभी। तभी वहाँ ननद आ जाती है। माँ देखो तो ये टी शर्ट कैसी लग रही है। अरे वाह बेटी, ये रंग तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। माँ सिर्फ 100 रुपए की है, लग नहीं रही है ना। ओ प्लीज, कहाँ से लाई हो ये 100 रुपए की टी शर्ट, हम लोगों के घर की तो नौकर भी ये ना पहने। तभी वहाँ बहू का पति आ जाता है। राशि, शीतल की तुलना क्या तुम अपने घर के नौकर से कर रही हो। अरे छोड़ो ना भैया, ये बताओ टी शर्ट कैसी लग रही है। बहन नहीं चाहती थी कि उसके कारण भाई और भाभी के बीच लड़ाई हो, लेकिन राशि, लास्ट ईयर मैं लंदन गई थी ना, तब की फोटो। वैसे तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो। भाभी हम तो हरिद्वार, शिमला और हाँ एक बार तो नैनीताल भी गए हैं। ये कोई जगह है घूमने की। लंदन तो स्वर्ग है स्वर्ग। ऐसी बात नहीं है भाभी, हमारे देश में भी कई जगह ऐसी है जो दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे गुलबर्ग गई है क्या आप। नो वे, मैं स्विट्जरलैंड गई हूँ। तो फिर जब गुलबर्ग नहीं देखा तो क्या देखा। भारत का क्या, दुनिया का स्वर्ग है वो। बात भी तो सच थी। राशि की बोलती शीतल के सामने बंद हो जाती है। एक दिन, अरे यार बाजार जाना है, कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ तो। अरे बहू बाहर निकलेगी तो कोने से हरी वाली बस मिल जाएगी, 5 रुपए में बाजार। अरे ना हो तो रिक्शा कर लेना, 20 रुपए लेगा, लेकिन क्या फायदा, बस से ही निकल जा जा बेटा। कैसी बात कर रही है, बस में कितने अनहाइजेनिक लोग बैठते हैं पता भी है आपको। पता नहीं कौन क्या करता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं उन लोगों के बीच बैठ जाऊँ। अच्छा बहू एक बात बता, तुम लोगों के घरों में जो ड्राइवर काम करते हैं ना, उन लोगों का पता है तुम्हें कि वो कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अरे माँ जी अब से कौन बहस करे, टैक्सी ही बुला लेती हूँ, कौन इतनी पेन ले गर्मी में। अरे बहू पैसे बचाना सीख, दो पैसे बचाएगी तो मुसीबत के वक्त काम आएंगे। मुसीबत वो भी पैसों को लेकर। अरे माँ जी हम लोगों के घर की तो कटोरी भी चांदी की होती है। अरे भगवान ना करे कि जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत बताकर नहीं आती बहू। तभी वहाँ ननद आ जाती है। भाभी आपके पापा किस प्रोफेशन में है, मतलब चांदी की कटोरी में खाना। जरूर बड़े व्यापारी होंगे ना। अरे नहीं नहीं वो फाइनेंसर है, यहाँ का पैसा वहाँ और वहाँ का पैसा यहाँ, समझ लो टोपियाँ घुमाते हैं बाजार में। तो सोचो आपके पापा ने भाई से आपकी शादी क्यों की होगी, वो तो ऐसा नहीं करता, सिंपल सी नौकरी करता है वो तो। वो क्या था कि पापा को आप लोगों का बड़ा मकान और सिंपल सी जिंदगी अच्छी लगी। वो इसलिए भाभी कि हम उतना ही खर्च करते हैं जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। जैसे आप लोग बड़ी बड़ी कोठी में रहते हो, लेकिन है तो किराए की ना, और हम लोगों का मकान अपना है जिसे पापा और माँ ने एक एक पैसे जोड़कर बनाया है। हाँ वो तो हम लोग भी सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर इससे बड़ा मकान बनाओ, अब तो बात बने। कैसी बात कर रही हैं आप, मैं तो सोच रही थी कि इसे बेचकर पॉश इलाके में मकान ले लूं। अरे मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा मकान नहीं बिकेगा, ये फाइनल बात है। तो इस छोटे मोहल्ले में ही रहना चाहती हैं आप हमेशा। अरे मैं तो सोच रही थी कि। तभी डोरबेल बजती है और सामने खड़े होते हैं राशि के पापा मम्मी। अरे मम्मी पापा आप दोनों आइए आइए। जा बेटा शीतल, जाकर अंकल आंटी के लिए पानी ले आ। क्या बात है भाई साहब, आप लोग परेशान दिख रहे हैं, सब ठीक तो है ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं, वो कहाँ परेशान होंगे, इतना पैसा है इन लोगों के पास तो परेशानी तो भूल कर भी नहीं आनी। तभी राशि की माँ सास के सामने रोने लगती है। अरे क्या बताएं बहन जी, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये तो भला है कि भले घर में राशि की शादी करवा दी, वरना अब तो हम लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास आए हैं। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं समधन जी, ये घर भी तो आप लोगों का ही है, यहाँ रहिए जितने दिन मन करे, जब ठीक हो जाए सब तो चले जाइएगा। क्या हुआ माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, और भाई और भाभी वो लोग
आप लोगों का बैंक बैलेंस। अरे किस बैंक बैलेंस की बात कर रही हो बेटी, हम लोगों ने तो कभी चवन्नी भी नहीं बचाई, सिर्फ उड़ाया है। उसमें कैसे बैंक बैलेंस होता, घर तो किराए का था ही, बाकी तेरी भाभी ने थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी थी उसे बेचकर पॉश इलाके में घर लेने की जिद की थी। प्रॉपर्टी बेच तो दी लेकिन जो पैसे आए वो भी उड़ा दिए। अब हम दोनों को घर से भी निकाल दिया, अब ना घर है ना पैसा, जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहन जी, लेकिन इस बार एक बात तो गांठ बांध ली कि झूठी शान और दिखावा किसी का सगा नहीं होता। राशि सास की तरफ ऐसे देखती है जैसे अपनी गलती का एहसास कर रही हो।